छत्रपति शिवाजी महाराज पर किताब लिखी गई तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे दिल की बात बेसा ये तो मेरे दिल की बात। पिछले 3-4 साल से पुणे आना हो रहा है और उस वक्त में मैंने हिंदी में कुछ चीजें मुझे मेरे किसी दोस्त ने दी और मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में वो पढ़ा। उसको पढ़कर के दिल में यह ख्याल था कि ये चीज हमारे सब लोगों को पढ़नी चाहिए। कैसे पढ़ेंगे? तो जो हम सोच रहे थे वो सैयद हमीद साहब ने कर दिखाया, हम सोचते रहे थे उन्होंने कर दिखाया। तो मैं पूरी मिल्लत की तरफ से, हिंदुस्तान के ईमानदार और दीन की तरफ से और भारत से मोहब्बत करने वाले सब भारतीयों की तरफ से खुद साफ का नुमाइंदा बनकर उनको शुक्रिया अदा करता हूं। मैंने ही इनको ये प्रपोजल दिया था कि इसको तो बहुत शानदार तरीके से लॉन्च करना चाहिए। इसको दिखने में छोटी सी बुक है, लेकिन हकीकत में ये वो कोशिश है कि जो कोशिश अगर सही तरह से ये लैंड कर गया, यानी ये फ्लाइट अगर सही तरह लैंड कर गया तो बहुत सारे देश विरोधियों के, देश दुश्मनों और गद्दारों के मंसूबे नाकाम हो जाएंगे। लोग बांटना चाहते हैं और बांट कर अपना फायदा लेना चाहते हैं। मुझे इसमें कोई तरक्कीब नहीं होता, जितना मैंने पढ़ा है इनके बारे में कोई तरक्कीब नहीं होता। तो मैं कहूं कि वो शख्सियत इस काबिल थी कि उसको इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम के लिए एक रोल मॉडल के तौर पर पेश किया जाए और खुद मुसलमानों के हाथ से खुद हमारी जिम्मेदारी है। वो बिगाड़ना चाहते हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको बिगाड़ने नहीं दें किसी। अगर इस बारीकी को हम समझेंगे तो उनका झंडा हमें उठाना चाहिए जोर से, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं पूरे भारत। क्योंकि जिन लोगों ने इनके साथ गद्दारी करी, खुद इनके साथ गद्दारी करी, अगर आप तारीख उठा करके देखेंगे तो छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ जिन्होंने गद्दारी करी है वो मुसलमान नहीं थे, वो मुसलमान कभी नहीं थे। मुसलमानों ने तो उनके लिए अपनी जान दी और वो मुहाफिज बने मस्जिदों के। उनके ऑर्डर्स देख लीजिए आप, इसको और अच्छे से इस किताब को जो सेकंड एडिशन आएगा मैं आपसे दरखास्त करूंगा। और आपने ये कहा है कि इसको एक तहरीक बनाया जाएगा, तो तहरीक बनना चाहिए और इसके तहरीक बनने में जो हम लोगों की सबकी जो जो भी हमारी हमारा तआवुन हो सकता है वो हर मुमकिन करना चाहिए। ये आज के वक्त की बड़ी जरूरतों में से एक जरूरत है। ये सिर्फ एक
प्रोग्राम नहीं है बल्कि ये एक मिशन है। अगर इस मिशन को पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर लोगों तक आज की नई नस्ल तक सच्चाई पहुंचाने के लिए कि सच्चाई का उन्होंने भी कहा उससे पहले वाले ये रावत साहब वो भी राजा थे वो भी राजा थे लेकिन वो राजा पूरे भारत के राजा थे और ये छोटे से इलाके के राजा थे। लेकिन आप इनकी बहादुरी देखिए कि इतनी बड़ी फौज से इतनी बड़ी ताकत से टकरा गए सब नहीं हुआ है। बहादुरी की ऐसी मिसालें कहां मिलती कम मिलती है कि आदमी के पास सामान ना हो आदमी के पास ऐसी फौज ना हो और अपने से बड़ी ताकत से टकरा गए वो कहता है अपने से बड़ी ताकत कम खा और सोशल जस्टिस समाजी इंसाफ कभी समझौता नहीं किया किसी फेगों पर कभी समझौता नहीं किया। लड़ाई चल रही थी देखने में मुसलमान राजाओं की लड़ाई चल रही थी पाकिस्तान की लड़ाई चल रही थी हुक्म यह था कि किसी मस्जिद को किसी मुसलमान औरत को किसी मुकद्दस सहीफे को किसी कीमत पर बेइज्जती नहीं होनी चाहिए फौजियों को हुक्म था। आज के जमाने में जब सिविलाइज्ड हो गया है तो सबसे पहले मुकद्दस जगहों पर औरतों पर हमला होता है जब हमला होता है। लेकिन अभी तो हम बहुत सिविलाइज पर बैठे कहने के लिए हम बड़े सिविलाइज हैं और वो जमाना दुनिया ऐसा समझती है कि अब 300-400 साल पहले के जमाने में अगर हम जाएंगे तो लोग इतने सिविलाइज नहीं थे लेकिन तो हमसे ज्यादा सिविलाइज हमसे ज्यादा ईमानदार हमसे ज्यादा शरीफ थे हम तो बेईमान हो गए। तो मैं मुबारकबाद देता हूं और इस बात पे यकीन दिलाना चाहता हूं कि इस काम को आप आगे और वाकई ये बड़ा काम जाने में वक्त की बड़ी जरूरत थी आपने इसे पूरा किया तो सबकी तरफ से मुबारकबाद और सबकी तरफ